तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D, नाम से ही पता लग रहा है कि बॉडी किस में मूव करने वाली है, इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब जैसे या तो एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है या वाई पे मूव कर रही है। तो अगर मैं बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा मूव करवा रहा हूँ, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में प्योरली बॉडी किस में मूव करने वाली है, इन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का एक और एग्जाम्पल है, जैसे सपोज करो आपकी जो बॉडी है अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, मान लो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस है, तो जब वो एक्स एक्सिस पे मूव करती है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, और रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या लिया जाता है, ओरिजिन। तो ओरिजिन से जब ये बॉडी थोड़ी आगे की तरफ आई तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट सपोज कितना था, 2 मीटर। थोड़ा और आगे आई तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, सपोज 5 मीटर। थोड़ा और आगे आई, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 7 मीटर, एंड सो ऑन। तो कोई मुझे बताएगा जब ये बॉडी एक्स में मूव कर रही है, वाई में मूव नहीं कर रही, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा? सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, राइट? एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। और उसी तरीके से अगर बॉडी कैसे मूव करती है अलोंग वाई एक्सिस, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, ना जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो क्या चीज चेंज होगी, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। क्लियर है यहां तक? तो अगर कोई बॉडी का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, या एक्स या वाई या जेड, जब बॉडी मूव कर रही है, तो इसका मतलब उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, वो बॉडी मूव कर रही है इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन का मतलब है कि या तो वो एक्स के अलोंग मूव कर रही है, या वो वाई के अलोंग मूव कर रही है, या वो जेड के अलोंग मूव कर रही है। लेकिन अगर बॉडी के दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं इकट्ठे, एक्स कॉमा वाई, जैसे सपोज करो ये आपके पास पूरी स्क्रीन है, इस स्क्रीन में ये वाई एक्सिस है और ये पूरे का पूरा एक्स एक्सिस है। तो अगर कोई बॉडी यहाँ पे है, जब इसका कोऑर्डिनेट मान लो 2.3 है, जब ये यहाँ पे आ गई, कोऑर्डिनेट 5.6 हो गया, तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, दो। एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। हम बोलते हैं बॉडी इज मूविंग इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब एक प्लेन में मूव कर रही है। और सोचो अगर बॉडी ऐसे तो मूव कर ही रही है 2D में, पतंग की तरह, काइट की तरह, या फ्लाई की तरह, मॉस्किटो की तरह, और हवा में ऐसे ऐसे मूव कर रही है, तो यानी कि बोर्ड के ऊपर तो मूव कर रही है, बोर्ड के बाहर भी आ सकती है, तो इसका मतलब उसका थर्ड कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, दैट इज जेड कोऑर्डिनेट। तो एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, एट साथ के साथ जेड भी चेंज होगा। हम बोलते हैं बॉडी इज मूविंग इन 3D। क्लियर है यहां तक? तो मोशन इन 3D, तो मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। हम यहां पर क्या स्टडी करने वाले हैं, मोशन इन 1D। 1D में बॉडी कैसे मूव करने वाली है, स्ट्रेट लाइन में, सिर्फ एक्स के अलोंग या सिर्फ वाई के अलोंग, बात खत्म। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक। अब इसमें सबसे पहले ये चैप्टर कहां से स्टार्ट है, ये चैप्टर स्टार्ट है एक टॉपिक या टर्म के साथ, मैकेनिक्स। आपने सुना होगा मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिक्स, ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं। इसमें मैकेनिक्स क्या चीज है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट या मोशन ऑफ अ मटीरियल। तो कोई बॉडी रेस्ट पे है, कोई बॉडी मोशन में है, चल भी सकती है, रेस्ट पे भी हो सकती है, उसको स्टडी करना कि अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, अगर वो रेस्ट पे है और अगर वो रेस्ट से मोशन पे आ जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी यू से वी हो जाती है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, ये सब बॉडी को स्टडी करना इन मोशन। तो हम किस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को डील कर रहे हैं, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर हम बॉडी को स्टडी करते हैं, जब बॉडी किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट, या बॉडी किस में, इन मोशन। क्लियर? ठीक है। तो मैकेनिक्स की आगे सब ब्रांच है। क्या ब्रांचेज है मैकेनिक्स की? मैकेनिक्स की सब ब्रांच में पहली ब्रांच है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है अ बॉडी इज लाइंग एट रेस्ट, राइट? तो स्टैटिक में हम बॉडी को स्टडी करते हैं जब वो किस पे पड़ी होती है, एट रेस्ट। आप कहेंगे बड़ी अजीब सी बात है, बॉडी रेस्ट पे है उसको क्या स्टडी करना। अब मान लो ये बेंच रेस्ट पे पड़ा हुआ है, क्या स्टडी करूं इसके ऊपर, चल तो रहा नहीं, सोचने वाली बात है। तो हम इस चैप्टर में रेस्ट पे पड़ी हुई बॉडी को तो स्टडी वैसे ही नहीं कर रहे,
फिर क्यों ब्रांच बनाई? ब्रांच तो बहुत बड़ी बात है, ब्रांच का मतलब है कि बहुत कुछ स्टडी करने वाले हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो आपके पास एक चार्ज है क्यू, क्यू चार्ज आपने रखा, वो क्यू चार्ज हम स्टडी करेंगे प्लस टू में, वो क्यू चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना बहुत बड़ी बात है और इसमें बहुत कुछ स्टडी करने को होता है। इतना होता है कि आप अंदाज़ा लगा लो कि प्लस टू की स्टार्टिंग चार्ज को स्टडी करने के लिए हम शुरू करते हैं, चार्ज को स्टडी करते हैं प्लस टू में, और कम से कम नहीं तो 1.5-2 महीने लगते हैं उसको सिर्फ रेस्ट पे पड़े हुए चार्ज को स्टडी करने में। इतना बड़ा ये कॉन्सेप्ट है। और मालूम है क्या स्टडी करवाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसने जो है जनरेट किया? चार्ज। और स्टैटिक का मतलब लाइंग एट रेस्ट। तो चाहे वो चार्ज लाइंग एट रेस्ट है, चाहे वो कोई बॉडी लाइंग एट रेस्ट है, तो पीछे क्या लग जाएगा? नाम स्टैटिक। क्लियर है यहां तक? तो स्टैटिक इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम बॉडीज को स्टडी करते हैं, जब वो बॉडी किसमें पड़ी होती है? एट रेस्ट। उसी तरीके से काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं किसी भी बॉडी को, किसी भी बॉडी की मोशन को, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब वो चल रही होती है। तो कोई भी बॉडी, कोई कार, ट्रेन, कुछ भी चल रही है, उसकी वेलोसिटीज को स्टडी करना, एक्सेलरेशन को स्टडी करना, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या नाम देते हैं? काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में अगर बॉडी की वेलोसिटी 10 से 20 हो गई, हम ये नहीं स्टडी करते कि वेलोसिटी 10 से 20 क्यों हुई, हम ये स्टडी करते हैं बस हो गई, उसके एक्सेलरेशन निकाल दो, विदाउट कंसिडरिंग कि ऐसा क्यों हुआ। तो काइनेमेटिक्स इज ही ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की ही ब्रांच है जो बॉडी को मोशन में स्टडी करती है विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, उसको किसने धक्का मारना, यानी कि हम फोर्सेस को स्टडी नहीं करते काइनेमेटिक्स में, क्योंकि बॉडी को स्पीड बढ़ाने के लिए, रोकने के लिए क्या लगानी पड़ती है? फोर्स। तो काइनेमेटिक्स में फोर्स की स्टडी नहीं करवाई जाती, राइट? तो हम जो अब स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, जो हम करेंगे इस 15-20 दिन में, उसका नाम क्या है पूरे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को, किसको स्टडी करने वाले हैं? काइनेमेटिक्स, क्योंकि हम फोर्स को स्टडी नहीं करेंगे, बस यू गिवन होगा, वी गिवन होगा, ए निकाल लेंगे, तो बॉडी की मोशन को स्टडी करवाया जाएगा। डायनेमिक्स, डायनेमिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें बॉडीज की मोशन स्टडी करवाई जाती है, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि बॉडी मोशन में आई तो क्यों आई, यानी कि क्यों आई, उसके ऊपर क्या लगी? फोर्स लगी, यानी कि बॉडी की फोर्सेस को भी स्टडी करवाया जाएगा, और यू और वी को तो स्टडी करवाया ही जाएगा, काइनेमेटिक्स तो स्टडी होगी होगी, साथ में डायनेमिक्स भी हो जाएगा। यानी कि जब हम फोर्सेस को स्टडी करेंगे, हम क्या बोलते हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं? डायनेमिक्स। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। हम अभी सिर्फ और सिर्फ किस पे डील करने वाले हैं? काइनेमेटिक्स। तो कोई पूछे क्या चल रहा है आपके सिलेबस में, आप बोलना हमारे यहां क्या चल रहा है, या मोशन बोल दें या सिंपल बोल दें, काइनेमेटिक्स चल रहा है, ठीक है यहां तक? तो मोशन इन 1D या फिर वन डायमेंशनल मोशन किसे बोलते हैं? मैंने एक्सप्लेन किया, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन 1D जब तीन में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट अपनी वैल्यू को क्या करेगा? चेंज करेगा, या एक्स करेगा, या वाई करेगा, या जेड करेगा, तो हम बोलते हैं बॉडी इज मूविंग इन 1D। उसी तरीके से 1D मोशन को एक और नाम दिया जाता है, क्या? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, जब 1D के अंदर बॉडी मूव करती है, या फिर दूसरा नाम दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलीनियर मोशन, माना बॉडी इज मूविंग इन 1D। नेक्स्ट है 2D मोशन। टू डायमेंशन मोशन में क्या होता है, बॉडी के कितने कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं जब वो मूव करती है? टू। तो दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, तीसरा नहीं चेंज होता, तो एट अ टाइम जब दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो बोलते हैं बॉडी मूविंग इन 2D। उसी तरीके से 3D मोशन, 3D का मतलब बॉडी के कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं एट अ टाइम, तो बॉडी इज मूविंग इन 3D। नेक्स्ट ये चैप्टर स्टार्ट है कहां से? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने 9th में भी। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस है अगर कोई बॉडी ए से बी, बी से सी और सी पे डी पे जाती है, तो बॉडी का डिस्टेंस क्या होगा? टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज डिस्टेंस। लेंथ क्या होगी? ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी। तो टोटल जो लंबाई कवर की उसने, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट क्या है,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा यहां से, ए से लेके डी, तो ए डी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और इसकी टोटल लेंथ को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हुआ? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? ए डी। जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर होता है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी सिर्फ वैल्यू ही कंसिडर की जाती है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू के साथ डायरेक्शन को भी कंसिडर किया जाता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है? देखो, अगर कोई बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें इस केस में, तो वो कहां से कहां मिलेगी आपको? एडी। तो एडी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप मुझे ये बताएं, क्या डिस्प्लेसमेंट एडी या ए से डी पर जाने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो एडी है? क्या कोई और रास्ते से आप ए से डी तक पहुंच सकते हैं, और वो भी एडी से कम डिस्टेंस कवर करते हुए? नहीं पहुंच सकते। सबसे कम डिस्टेंस यही होगा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एडी, इससे कम तो नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, तो आपको ए से लेके कहां तक जाना पड़ेगा? डी तक। यही रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि डायरेक्शन मैटर करती है इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसलिए बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? तो यही इसमें मेंशनड है, ये इसका डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। सबसे छोटे पाथ को क्या बोलते हैं? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या रिप्रेजेंट होगी? एडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? एडी। तो डिस्प्लेसमेंट एडी, एडी डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स के अंदर जो क्वांटिटी स्केलर हैं उनको तो एज इट इज लिख देते हैं, टाइम स्केलर है, इसकी कौन सी डायरेक्शन होती है? टी लिख देते हैं। लेकिन जो क्वांटिटीज वेक्टर हैं उनके ऊपर एरो लगाते हैं, ताकि आप बता सकें कि ये क्वांटिटी एक वेक्टर है, और वेक्टर का मतलब इसकी वैल्यू के साथ इसकी कोई डायरेक्शन भी होती है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? वेक्टर। तो पहचान हो गई, जिसके ऊपर क्या लगा होगा? वेक्टर, ये एरो बना होगा, इट मीन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। अब सपोज करो मैंने एक उबर हायर की, और मुझे मान लो कहीं घूमने जाना है, और मैं एलांटे घूम के अपने घर पे वापस आ जाता हूँ। तो ये बताओ कि जो मैं गया और वापस वहीं पर आ गया, मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? जीरो। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। और जो मैं पेमेंट करूंगा अपनी, कितने पैसे बने, वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से नहीं करूंगा, वो किसके हिसाब से करूंगा? डिस्टेंस। वो ड्राइवर कहेगा किस गली में जा रहे हो, मेरे को कर लेने देना यार, मैं तो लेंथ कवर करूंगा। और जो आपका मीटर है कार का, वो क्या कवर करता है? डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस। डिस्टेंस कार को क्या मतलब कि आप सीधा डिस्टेंस ले रहे हो, शॉर्टेस्ट ले रहे हो? नहीं ले रहे। कार जितनी चलेगी उतनी लेंथ कवर करेगी, उतना ही उसमें किलोमीटर आ जाएंगे। तो कार क्या मेजर करके दे रही है आपको? डिस्टेंस। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? राइट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है? लेट अस सपोज ये आपका ओरिजिन है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? ओरिजिन। और मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ऐसे आपकी कार कैसे चल रही है? ऑन एक्स एक्सिस। तो लेट अस सपोज एक्स एक्सिस पे ये आपका ओरिजिन है, आपकी कार यहां पर है अभी, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितने है? एक्स वन। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कोई ना कोई होगा, तो कितने है? एक्स वन। थोड़ी देर के बाद आपने देखा आपकी कार कहां पर आ गई? बी पे। तो इसका कोऑर्डिनेट फाइनल कितना हो गया एक्स वन की जगह? एक्स टू। बोलो कोऑर्डिनेट बढ़ा या कम हुआ? बढ़ जाएगा, कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे? जैसे x1 की वैल्यू यहां पर अभी 2 मीटर है, और x2 की वैल्यू मान लो यहां पर 7 मीटर हो गई, तो ऑब्वियसली दूर जा रही है कार, तो x कोऑर्डिनेट तो बढ़ ही जाएगा। तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की? आप क्या करेंगे, x2 में से x1 को क्या कर देंगे? माइनस। तो जब आप x2 में से x1 माइनस करेंगे, x2 बढ़ा है, x1 छोटा है। आप चेक कर सकते हैं 7 में से 2 गया, कितना आया? 5, एंड 5 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एग्री कर रहे हो कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स टू। इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स वन। दोनों को माइनस किया तो क्या आएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू बड़ा है, एक्स वन छोटा है, तो डिफरेंस
जीरो से बड़ा ही होगा, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन सोचो अगर उल्टा हो जाए, आपकी बॉडी कहां पर है अभी? ए पे है, और वो आगे जाने की बजाय उल्टा ओरिजिन के पास आ रही है, पीछे आ रही है, तो ए पे उसका कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स वन। और जब वो पास आ रही है ओरिजिन पे, बी पर आ गई, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स टू। अब मुझे बताओ एक्स कोऑर्डिनेट अब बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। पहले जब दूर जा रही है कार ओरिजिन से, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, तो कोऑर्डिनेट बढ़ते जा रहे हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट बढ़ा है, इनिशियल छोटा है। लेकिन जब कार ओरिजिन की तरफ आ रही है तो इनिशियल कोऑर्डिनेट बढ़ा है और फाइनल छोटा है। और जब मैं इसका डिफरेंस लूंगा, एक्स टू छोटा है, एक्स वन बड़ा है, जैसे एक्स टू की वैल्यू यहां पर 2 मीटर है, एक्स वन यहां पर 7 मीटर है, तो जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? -5। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है? कि आपकी जो कार है वो कहां से कहां मूव कर रही है? टूवर्ड्स ओरिजिन मूव कर रही है। तभी तो आपका इनिशियल कोऑर्डिनेट बड़ा है और फाइनल कोऑर्डिनेट इसमें छोटा है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कि इनिशियली यहां पर है, फाइनली यहां पर है। पहले वो 7 मीटर पे था, अब वो 2 मीटर पे है। तो हमने क्या सीखा? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो फाइनल कोऑर्डिनेट एक्स टू है, छोटा है, इनिशियल एक्स वन बड़ा है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव साइन इन डिस्प्लेसमेंट ये शो करता है कि कार इज मूविंग टूवर्ड्स ओरिजन, और पॉजिटिव साइन ये शो करता है कार इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजन। तो अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब कार ओरिजिन से दूर जा रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, इसका मतलब कार कहां आ रही है? टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? पॉजिटिव में देखो, जैसे सपोज देखो सपोज करो, मैंने क्या बताया कि आपकी जो कार है वो कहाँ जा रही है? जैसे ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। इस ओरिजिन में ये यहाँ पर कार ए पॉइंट पे है, कार ए पॉइंट पे है, और कार कहाँ पे जा रही है? बी पे जा रही है। जब वो ए पे है, इमेजिन करो उसका कोऑर्डिनेट कितना है? 2 मीटर है। जब वो बी पे है तो उसका कोऑर्डिनेट कितना है? 7 मीटर है। तो बस आप मुझे ये बता दो सिंपल तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्या करोगे? 5 में से 7 करोगे कि 7 में से 2 करोगे कि 2 में से 7 करोगे? 7 में से 2 ही करोगे ना, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो यानी कि जब कार इधर जा रही है तो 2 मीटर से बड़ा ही कोऑर्डिनेट दे देगी ना फाइनल, छोटा तो नहीं कर देगी, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। लेकिन जब आप उल्टा करते हैं, जब आप इसमें रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, जैसे आपकी कार ए यहां पे है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है यहां पर? 7 मीटर है, और फाइनली कार कहां पे आ गई? बी पे आ गई। अब जब वो वापस आ रही है, ये कोऑर्डिनेट पहले ज्यादा था तो 7 मीटर है, अब कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2 मीटर। तो बताओ वापस आने में कोऑर्डिनेट बढ़ाएगी कि कम होगी? कम ही करेगी ना, तो 7 से कम ही करेगी ना, 5 करेगी 4 करेगी 3 करेगी, फिर ओरिजिन में बैठ जाएगी जाके, तो कम करेगी, बढ़ाएगी तो नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है?
तो 7 मीटर से 2 मीटर हो गया, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कम हो गया, तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, 2 मीटर, इनिशियल क्या है, 7 मीटर, डिफरेंस क्या आएगा, -5, सही है, -5। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कब होता है, जब गाड़ी कहां चलेगी, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। इंक्रीज कब होगा कोऑर्डिनेट, जब गाड़ी कहां चलेगी, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ये शो करती है कि आपकी कार अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रही है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ये शो करती है आपकी कार ने डायरेक्शन चेंज कर ली और पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाने की बजाय नेगेटिव एक्स एक्सिस में आना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, तो नेगेटिव साइन एक तरीके से सिर्फ डायरेक्शन ही बताता है आपको। उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अब जीरो कब होती है, मैं यहां से ए से चला, ए से मैं बी पे गया, फिर बी से मैं वापस ए पे आ गया, तो जहां से शुरू हुआ वहीं पर घूम के वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उस केस में, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ये तीन केस हैं। डिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस में ऊबर में बैठ जाओ, किलोमीटर गाड़ी कवर करती रहेगी, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, जहां मर्जी जाते जाओ, किलोमीटर ऐड करके बता देना इतना डिस्टेंस हो गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, ऑनलाइन वालों क्लियर है? यस सर। ठीक, नेक्स्ट स्पीड क्या चीज है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ में आता है? और डिस्टेंस क्योंकि स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर है। जब डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, इधर एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी है, तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है नेगेटिव हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव है, जब बॉडी कैसे मूव कर रही है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट -5 है, -5 को टाइम से डिवाइड करोगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो वेलोसिटी पॉजिटिव ये शो करती है कि आपकी कार इज मूविंग ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेलोसिटी नेगेटिव ये शो करती है आपकी कार इज मूविंग ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम चीज है। अब अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, स्पीड की क्या टाइप्स है, स्पीड गाड़ी कैसे चल सकती है। पहली टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने कार को हाईवे पे डाल दिया, क्रूज ऑन कर दिया, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने ऑटोमेटिक ऑन किया 60 किलोमीटर पर आवर, बात खत्म। अब कार हमेशा ही मूव करती जाएगी ऑन 60 किलोमीटर पर आवर, बात खत्म, क्लियर है? तो ऐसी स्पीड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या कॉन्स्टेंट स्पीड। और डिफाइन कैसे करते हैं इसे, अगर बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 2 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, अगला 2 मीटर 2 सेकंड में, अगला 2 मीटर 2 सेकंड में, तो हर इंटरवल में स्पीड क्या आएगी, यूनिफॉर्म। तो गाड़ी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, राइट? दूसरा टाइप है वेरिएबल स्पीड। आप गाड़ी कभी तेज चला रहे हो, कभी स्लो चला रहे हो, कभी तेज कभी स्लो, तो इसमें क्या करेंगे, तो मान लो गाड़ी 2 मीटर कवर करती है इन टाइम 2 सेकंड, अगला 2 मीटर 1 सेकंड, अगला 2 मीटर 4 सेकंड, अगला 2 मीटर 5 सेकंड। तो इसके अंदर स्पीड देखो चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, कैसे, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2/4, 2/5, 2/6। तो ये कौन सी स्पीड कहलाएगी, वेरिएबल स्पीड। तो कॉन्स्टेंट का मतलब सेम स्पीड, वेरिएबल का मतलब चेंजिंग स्पीड। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। ये तो फर्स्ट लेक्चर में किया था डिफरेंशिएशन के, क्या किया था, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। वही ड्राइवर की प्रॉब्लम कि तेरी स्पीड कितनी है, वो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करके बताता है, अंदर के इंटरवल बताता ही नहीं, तो कौन सी स्पीड बताता है, एवरेज स्पीड। एक और स्पीड है, कौन सी स्पीड है, इंस्टेंटेनियस। अभी इंस्टेंटेनियस क्या होती है कि किसी इंस्टेंट पर जो अपनी वैल्यू को क्या करती है, चेंज। और हमने फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन में किया था कि जो एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, पर अगर इंटरवल बहुत छोटा हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी एक्स बाय डी टी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है, डी एक्स बाय डी टी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डी एक्स बाय डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस।
क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो मैंने लिखा भी था कि डिफ्रेंसिएशन के बिना ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। तो जिन्होंने डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन नहीं की, सबसे पहले वो मेरी वीडियो से कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन करें, क्योंकि अगर वो नहीं कंप्लीट होगी तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, और जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेलोसिटी। डेफिनेशन वेलोसिटी हमने कर ली, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी सेम केस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है वेरिएबल वेलोसिटी, नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगेन v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, बस ये वेक्टर है इसके ऊपर वेक्टर आ जाएगा, बात खत्म। वो स्केलर था स्पीड, उसके ऊपर वेक्टर नहीं है, इसके ऊपर वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ऐसे ही करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो जो इसका डिस्टेंस है वही इसकी डिस्प्लेसमेंट भी है। तो यानी कि आपसे अगर कोई पूछे क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, आप आंसर देंगे यस। कब हो सकते हैं? व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, लेकिन अगर कोई बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज करती है तो डिस्टेंस बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटी ही होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस। तो इसमें जो डिस्टेंस है वो बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट इसमें छोटी है, तो यानी कि नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। हाँ, इट कैन बी इक्वल ऑल्सो, तो इन जनरल ये लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है कम या ज्यादा से ज्यादा इसके इक्वल होगी या कम होगी, कम से कम ग्रेटर तो नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो ये जो आपकी शीट है, इस शीट का नंबर है 5। हर शीट के ऊपर जब स्टार्ट होता है आपकी बुकलेट के अंदर, यहाँ पर ना लिखा होता है, नंबरिंग लिखी होगी बुकलेट पे, यहाँ पे कहीं पर चेक करो, यहाँ पर नहीं, आपकी बुकलेट में लिखा हुआ है, शीट नंबर भी लिखा होगा 5 और ऊपर उसके नीचे लिखा होगा NCERT या कॉम्पिटिशन। तो आपको पता लगता है कि NCERT की शीट है, ये स्कूल लेवल की शीट है और ये कंपटीशन की शीट है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के लेवल में भी फर्क नजर आएगा आपको, राइट? हाँ ठीक। और दूसरी चीज, इसमें शीट नंबरिंग पे भी हाईलाइट कर लिया करो, उसका रीजन है जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम के अंदर जब जैसे मान लो अक्टूबर का एग्जाम है उसमें काफी बड़ा सिलेबस आएगा, मान लो 15 चैप्टर आ रहे हैं, तो मैं लिस्ट दूंगा आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप मिस नहीं करके जाएंगे, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके आगे शीट नंबर ब्रैकेट में लिखा होता है कि जैसे शीट नंबर 43 में टॉपिक मिलेगा, नहीं तो आप पूरी बुकलेट कहाँ से ढूंढोगे टॉपिक? तो आपको शीट नंबर भी साथ लिख के दूंगा, इसलिए शीट नंबरिंग पे हाईलाइट करते जाना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस। 6 नंबर शीट, तो आज हमने बस ये शीट करनी है, 6 नंबर शीट। ठीक, ये आज का लेक्चर है, इसके बेस पे फिर जो होमवर्क होगा आप होमवर्क करके आएंगे। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल्स करेंगे किस पे, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड पे या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। कैसे? हमने फॉर्मूला किया एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम एंड एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जैसे न्यूमेरिकल आएगा, अ मैन इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस नहीं कहा उसने, फर्स्ट हाफ टाइम विद अ स्पीड ऑफ v1 एंड सेकेंड हाफ टाइम विद अ स्पीड ऑफ v2। तो आप इमेजिन करें कि पूरी जर्नी का टोटल टाइम t है, टोटल टाइम t है, और फर्स्ट हाफ टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? t/2। दूसरे हाफ टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? t
टी बाई टू. तो फर्स्ट हाफ टाइम कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ वी वन एंड सेकेंड हाफ टाइम कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ वी टू. क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है सबको क्या गिवन है? राइट. अब कोई ये कहेगा कि आधी जर्नी का मतलब अगर टोटल डिस्टेंस एक्स है तो क्या ये एक्स बाई टू है? ये भी तो हो सकता है. नहीं, उसने बोला ही नहीं. उसने क्या बोला? अगर वो ये बोलता बॉडी कवर्ड फर्स्ट हाफ डिस्टेंस तो मैं लिखता एक्स बाई टू. उसने क्या बोला? फर्स्ट हाफ टाइम. तो डिस्टेंस का उसने कुछ मेंशन नहीं किया तो मैंने टाइम को आधा आधा कर दिया. पूरी जर्नी का टोटल टाइम अगर टी है, पहला हाफ टाइम टी बाई टू, दूसरा हाफ टाइम टी बाई टू. तो पहला हाफ टाइम टी बाई टू कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ वी वन और दूसरा टी बाई टू कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ वी टू. आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है. आपको किसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा वो क्यों? आपने कहा करना क्या है? एवरेज तो वैसे निकालनी आती है. कैसे? वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई टू, खत्म. लॉजिक है. क्या प्रॉब्लम है इसमें? ऐसे ही करते हैं एवरेज नहीं लगाना. आपका मन बहुत बार कहेगा इस चैप्टर में कि तीन वेलोसिटीज हैं वी वन वी टू वी थ्री, एवरेज वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री बाई थ्री. बिल्कुल भी मत लगाना, बस एक ही फॉर्मूला लगाना, दूसरा बिल्कुल ना लगाना. एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस. चाहे आपको जो मर्जी लगता हो, डेफिनेशन यही लगाना कि एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. अब इस पूरी जर्नी में जब भी ये क्वेश्चन आते हैं फ्रिस के, मैं कोशिश करता हूँ कि डायग्राम बने या ना बने, मैं डायग्राम ज़रूर बनाता हूँ. मुझे बार बार डायग्राम बनाने से क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती. डायग्राम ही में बता देता है कि ये सीन है. अब मुझे क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम. टोटल टाइम तो एक मिनट में आ जाएगा. कैसे? टी बाई टू प्लस टी बाई टू. तो टोटल टाइम में टी बाई टू टी बाई टू. टोटल डिस्टेंसेज मान लो ये जर्नी है एस वन और ये जर्नी है एस टू. ये जर्नी बराबर क्यों नहीं है? एस और एस बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की स्पीड डिफरेंट है. कोई आधे इंटरवल में गाड़ी तेज चल रही है, आधे में स्लो चल रही होगी. तो डिस्टेंस टेकन डिस्टेंस कवर्ड सेम नहीं हो सकता. तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा निकाल लेते हैं. आपको इसकी वेलोसिटी पता है और टाइम पता है. तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. इसकी स्पीड कितनी है? वी वन. और टाइम कितना है? टी बाई टू. तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा इसका डिस्टेंस? क्लियर है यहां तक? इसका डिस्टेंस कितना है? स्पीड कितनी है? वी टू. टाइम कितना है? टी बाई टू. मल्टीप्लाई करके इसका डिस्टेंस आ गया. तो एस वन एस टू क्लियर है. आपके पास एस वन आ गया, एस टू आ गया. पुट कर लेते हैं. एस वन की जगह वी वन इंटू टी बाई टू, एस टू की जगह वी टू इंटू टी बाई टू डिवाइडेड बाई टी बाई टू एंड टी बाई टू. कोई डाउट इसमें? दोनों की टोटल टाइम टी है, उसको आधा आधा कर लिया. टी बाई टू सेम हुआ. ठीक. तो इसमें न्यूमिनेटर में से टी बाई टू कॉमन आ गया. क्या बचा? वी वन प्लस वी टू. डिनोमिनेटर में टी बाई टू प्लस टी बाई टू कितने? टी. राइट. टी से टी क्या हो गया? कैंसल. आंसर क्या आ गया? वी वन प्लस वी टू बाई टू. आप कहेंगे सर मुझे तो पहले ही लग रहा था आपने ऐसे ही मना किया. हम तो वैसे ही सॉल्व कर सकते थे. वी वन प्लस वी टू बाई टू नहीं करना, क्योंकि अगले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इसी में लगता है ये फॉर्मूला. अदरवाइज जब क्वेश्चन चेंज करेगा आपके क्वेश्चन के शॉर्टकट गलत हो जाएंगे. आप मत करना, आप यही फॉर्मूला यूज करना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. चाहे फाइनल आंसर ऐसा आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं. तो पहला क्वेश्चन क्लियर है कि कैसे इसमें सॉल्व किया. राइट. ठीक है. नेक्स्ट. पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस. इस बार उसने क्या कहा? फर्स्ट हाफ टाइम नहीं कहा, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ वी वन. तो अगर टोटल डिस्टेंस एक्स है तो फर्स्ट हाफ का मतलब एक्स बाई टू, अदर हाफ का मतलब एक्स. तो बराबर बराबर डिस्टेंस एक्स बाई टू एक्स बाई टू. तो एक्स बाई टू कवर किया जाता है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वन एंड अदर हाफ डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ वी टू. तो वी वन वी टू क्लियर है यहां तक? राइट. तो मुझे क्या निकालना है? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस बोलो एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू. ये रहा टोटल टाइम. क्या होगा टोटल टाइम में? ये टाइम तो इसमें मेंशन ही नहीं है, तो निकाल लो. टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो पहली जर्नी में डिस्टेंस कितना है? एक्स बाई टू. स्पीड कितनी है? वी वन. तो आ गया ना टाइम. ऐसे यहां पर डिस्टेंस कितना है? एक्स बाई टू. स्पीड कितनी है? वी टू. आ गया टाइम. टी वन टी टू आ गया.
यहाँ से t1 t2 को यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है x बाई टू प्लस x बाई टू, टोटल टाइम जर्नी का t1 एंड t2, t1 एंड t2 को यहाँ पे पुट किया, t1 की जगह x बाई टू बाई v1 और t2 की जगह x बाई टू बाई v2, राइट? आधा कितना इसमें x बाई टू, x बाई टू, टोटल डिस्टेंस x बाई टू और x बाई टू, ऐड करोगे x आएगा, और टोटल टाइम टेकन t1 एंड t2, ऐड करोगे t1 प्लस t2, t1 की जगह क्या पुट करेंगे x बाई टू बाई v1, t2 की जगह क्या पुट करेंगे x बाई टू बाई v2। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन देखो, 2 नीचे आ गया तो क्या बना x डिवाइडेड बाई 2v1, x बाई टू अपॉन v2 को क्या लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 2v2, नीचे आ गया 2, यहां से डिनोमिनेटर में से एक्स बाई टू कॉमन, तो क्या बचा 1 बाई v1 और 1 बाई v2, क्लियर है? एक्स बाई टू कॉमन आया तो 1 बाई v1, 1 बाई v2, एक्स से एक्स कैंसल, डिनोमिनेटर में 1 बाई 2 चल रहा है, रियर जिसको ठीक तरह करके लिखोगे तो न्यूमिनेटर में 2 चला गया, नीचे क्या बचा 1 बाई v1, 1 बाई v2। ये स्टेप क्लियर है सबको? मैथ स्टार्ट हो गया, इसमें फिजिक्स खत्म हो गई। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन है, तो x बाई टू कॉमन आ गया, 1 बाई v1, 1 बाई v2, x से x कैंसिल, 1 बाई 2 उल्टा लेके गए 2, इसका एलसीएम लो, एलसीएम क्या होगा v1 v2, तो क्या आएगा v2 प्लस v1, इसका रेसिप्रोकल लो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अब कोई अगर कहे मैं तो याद करके जाऊंगा फिजिक्स, हाँ तो कर जाओ याद, कितने फॉर्मूले याद करोगे, लो मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा नेक्स्ट, इसका आंसर चेंज हो जाएगा। आप सिर्फ एक ही चीज समझ के जा सकते हो, और वो क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बाकी सिर्फ प्रैक्टिस है। क्लियर है यहां तक? जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर दिया, अब इंटरवल 2 की जगह इंटरवल 3 बना दिए, देखो मेरी मर्जी, मैं 4 बनाऊं, 2 बनाऊं, 3 बनाऊं, तो अब मैंने क्या किया ताकि लोग आंसर याद ना करें, मैंने कहा अ बॉडी ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक बॉडी कैसे मूव करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्ड 1/2 ऑफ टोटल डिस्टेंस। अब मान लो टोटल डिस्टेंस कितना है एक्स, 1/2 ऑफ टोटल डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करोगे एक्स बाय टू, ठीक, अदर हाफ क्या हुआ एक्स बाय टू, तो एक्स बाय टू, एक्स बाय टू, टोटल एक्स, एक्स बाय टू, एक्स बाय टू। उसने सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी कि बॉडी कवर्स 1/2 ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, पहले एक्स बाय टू की, तो पहला एक्स बाय टू कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10। तो डायग्राम जरूरी है बनाना, मैं बनाता हूं, बुक्स बनाए ना बनाए, आप बनाओ ना बनाओ, मेरे को ठीक लगता है डायग्राम बनाना, मेरे को बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ता। तो मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस x है और आधा डिस्टेंस कितना है x बाई टू, उसने क्वेश्चन में ये कहा x बाई टू डिस्टेंस, x बाई टू डिस्टेंस 1/2 ऑफ द डिस्टेंस कितनी वेलोसिटी से कवर हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने लिख दिया 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहला हाफ डिस्टेंस x बाई टू इज कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये डायग्राम क्लियर है, सिर्फ आधा आधा ये वाला बस, आधी इंफॉर्मेशन क्लियर है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का मतलब x बाई टू कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 का मतलब 10,
अब बात करते हैं अदर हाफ की, दूसरे हाफ की। अब दूसरे हाफ में क्या कह रहा है, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। अब रिमेनिंग पार्ट है कितना, x बाई टू, अदर x बाई टू। पहले x बाई टू की कहानी बता दी उसने, रिमेनिंग x बाई टू वॉज कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। अब देखो उसने दोनों क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया जो पहले हमने दो क्वेश्चंस किए। वो कह रहा है जो अदर पार्ट ऑफ जर्नी है ना, उसमें जितना भी समय लगा, जितना भी समय लगा, तो जैसे पहले हाफ ऑफ जर्नी में टाइम कितना लगा, T1 मान लिया, अपने मन से T1 मान लिया, और सेकेंड हाफ जर्नी कितनी देर में कवर हुई, T2 में मान लिया, मैंने अपने मन से मान लिया T2। वो ये कह रहा है जो सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ का मतलब x बाई टू है, इसमें बॉडी कवर्ड स्पीड ऑफ बॉडी हैज अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। यानी कि इस जर्नी को कवर करने में बॉडी ने पहले हाफ टाइम में स्पीड कितनी रखी, 20, और दूसरे हाफ टाइम में स्पीड कितनी रखी, 30। इसको ये लिखा हुआ है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, x बाई टू, कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। फर्स्ट हाफ टाइम का मतलब जो रिमेनिंग में टाइम चाहिए, रिमेनिंग कवर करने में कितना समय लगता है, T2। फर्स्ट हाफ टाइम का मतलब T2 बाई टू कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20, और सेकेंड हाफ टाइम का मतलब T2 बाई टू कवर्ड विद द स्पीड ऑफ 30। ये कुल मिला के इसका डायग्राम बना, पूरा क्वेश्चन पढ़ के मैंने ये समझा और इसका डायग्राम बनाया, इसमें कोई डाउट ऑनलाइन वालों को? नो सर। तो अब इसमें एक बेसिक डेफिनेशन क्या है, एवरेज वेलोसिटी की, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही डेफिनेशन है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो पूरी कितनी है इसकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट में x मैंने लिखा नहीं, हाँ लिखा मैंने x बाई टू सही बोल रहे हो, तो x बाई टू प्लस x बाई टू, पहली हाफ जर्नी कितनी डिस्टेंस की x बाई टू, दूसरी हाफ जर्नी x बाई टू, तो कुल मिला के टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x बाई टू प्लस x बाई टू, क्लियर है टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम टेकन बोलो कितना, T1 प्लस T2, पहली जर्नी T1, दूसरी जर्नी पूरी T2, तो कुल मिला के टोटल समय कितना लगा, T1 प्लस T2। तो ये डेफिनेशन क्लियर है पहली, ठीक है। अब मैं T1 T2 की वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा, राइट। T1 निकाल लें, मुझे टाइम पता नहीं, हाँ मुझे डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना है x बाई टू, वेलोसिटी कितनी है 10, तो अगर मैं डिस्टेंस x बाई टू को इसकी स्पीड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका टाइम, तो T1 आ गया, तो T1 क्या आएगा, x बाई टू डिवाइडेड बाय 10, तो T1 आ गया, संभाल के रखो इसे। T2 निकालें, इस डायग्राम को देखते हुए T2 कैसे निकलेगा, देखो आप अगर कहेंगे कि x बाई फोर कर लो, इसका आधा कर लो, कैसे कर, उसने बोला ही नहीं x बाई फोर, तो ये डिस्टेंस तो मुझे पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता, हाँ मुझे टोटल डिस्टेंस पता है। आप मुझे ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 इंटू कितना T2 बाई टू डिस्टेंस आ गया किसका, ये वाला, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 30 को T2 बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस आ गया, तो ये डिस्टेंस आ गया, 20 को टाइम से मल्टीप्लाई किया ये डिस्टेंस, 30 को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो ये डिस्टेंस, क्लियर है यहां तक। अब ये दोनों मिला के डिस्टेंस कितना गिवन है, x बाई टू, तो क्या मैं लिख सकता हूं, x बाई टू इज दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, तो x बाई टू इज फर्स्ट इतना डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस। इससे क्या फायदा हुआ, 2 2 2 क्या हो गया, कैंसल, कैंसल करके ये टर्म आ गई, T2 इसमें से क्या आ गया कॉमन, और 20 प्लस 30 कितना 50, तो x अपॉन 50 मैंने क्या निकाल दिया T2, मैंने यहां से क्या निकाल दिया था T1, और मैंने इन दोनों से क्या निकाल दिया T2, T1 आ गया T2 आ गया, इस T1 को उठा के यहां पुट कर दिया और T2 की जगह यहां से T2 पुट कर दिया, यहां से मैथ स्टार्ट हो गया, फिजिक्स खत्म होगी, 2 नीचे आ गया तो x बाई 20, तो यहां से डिनोमिनेटर में से x कॉमन, तो क्या बचा 1/20 1/50, x से x कैंसल, इसको सॉल्व करेंगे 50 और 20 को एलसीएम लेके 50 प्लस 20 रेसिप्रोकल लेंगे आंसर आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस किसी तरीके से टोटल डिस्टेंस पता लग जाए और टोटल टाइम पता लग जाए।
अब कई लोग सोचते हैं कि यार बाकी सब तो ठीक है, पहले दो क्वेश्चन तो ठीक थे, ये पता नहीं कहाँ से बीच में ये और कॉम्प्लेक्स हो गया। मेरे को कैसे पता लगेगा कि इसका टाइम ऐसे निकलेगा? प्रैक्टिस। आप क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। तो आपने ये क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा, आप इसको फिर रेफर करेंगे, फिर वो होमवर्क करेंगे, दो चार बार देखेंगे, अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगी। आप मुझे दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मैं सोचूंगा भी नहीं, मैं फटाफट कर दूंगा इसका ऐसे आंसर होगा, क्योंकि मैंने 10 बार क्वेश्चन कर रखा है। तो आप भी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको टेक्निक पता लग जाएगी कि इस क्वेश्चन की क्या टेक्निक है। तो आइडिया क्लियर है कि इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, राइट? अब जैसे सपोज करो, हमने कैलकुलस डिफ्रेंसिएशन में क्या सीखा था? हमने डिफ्रेंसिएशन में ये सीखा था कि अगर मान लो ये ओरिजिन है, मेरी कार यहाँ पर है, टाइम T1 है, मेरा कोऑर्डिनेट X1 है, फिर मेरी कार कहाँ पर आ गई? T2 टाइम पे कहाँ पर आ गई? X2 पे आ गई। तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया? X2 - X1। कितने टाइम में कवर किया? T2 - T1। तो अगर मैं पूछूँ बताओ मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम में इसको क्या लिखते हैं? डेल्टा एक्स। इसको क्या लिखते हैं? डेल्टा टी। मैंने डिफ्रेंसिएशन के पहले लेक्चर में बता दिया था कि एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ये कैलकुलस का पार्ट है, क्योंकि मैंने ये कैलकुलस में ऑलरेडी बता दिया था, और मैंने आधा घंटा लगाया था बताने के लिए, शायद घंटा ही लगा दिया होगा फर्स्ट लेक्चर में, तो इसलिए मेरा वो आधा घंटा घंटा खराब नहीं गया, वो इसमें काम आ गया। तो जिन्होंने वो लेक्चर सुना हुआ है उनको एकदम समझ में आ रहा है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या शो करता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? राइट। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी इसमें, वो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होगी। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था क्या कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? dx बाय dt। हम इसमें क्या यूज करते हैं? डिफ्रेंसिएशन। और डिफ्रेंसिएशन यही तो बताती थी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिखा जाता है? dx बाय dt। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, एवरेज वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पर कैलकुलस का रोल है। ऐसी एवरेज एक्सीलरेशन की अगर बात करते हैं, तो इस कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? v1। और फिर थोड़ी देर में कितनी होगी? v2। चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? v2 - v1। और टाइम टेकन कितना है? t2 - t1। तो अगर मैं पूछूं कि एवरेज एक्सीलरेशन कितनी है, तो आप बोलेंगे डेल्टा v बाय डेल्टा t, यानी कि v2 - v1 बाय t2 - t1। तो ये क्या आएगी? एवरेज एक्सीलरेशन। अगर मैं बोलूं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या है, तो हमने डिफ्रेंसिएशन में किया था, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? dv बाय dt। तो यानी कि जब वर्ड इंस्टेंटेनियस आएगा हम डिफ्रेंसिएशन यूज करेंगे, जब एवरेज आएगा हम सिंपल डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करेंगे। ये हमने सीखा। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो कोई पार्टिकल एक्स में मूव कर रहा है, उसके डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो एक्स टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। मुझे क्या निकालना है? फाइंड कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब वर्ड इंस्टेंटेनियस आएगा तो डिफ्रेंसिएशन आएगी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स को क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट। वी इज इक्वल टू क्या? dx बाय dt। तो एक्स की वैल्यू को उठा के यहां पुट किया, d बाय dt ऑफ फर्स्ट टर्म, d बाय dt ऑफ सेकेंड टर्म में कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, dt बाय dt 1, और t² की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? 2t। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ये आ गया। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है कब?
जब टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई उसमें टाइम को उठा के क्या पुट करेंगे 2 सेकेंड, आंसर आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डिफ्रेंसिएशन का ये पार्ट है, तो जिन लोगों ने अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया उनको नहीं आएगा, पर जिन्होंने वो पहली 2 वीडियोज मेरी डिफ्रेंसिएशन की सुन ली उनको कुछ करना ही नहीं है, वो सारा कुछ सेम ही तो चल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं राइट। तो 2 वीडियो से आपको ये काम आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी बता दूं, जो लोग मोशन और आगे करेंगे, मान लो मंडे का लेक्चर है, अब आपको क्योंकि मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था पहले, 1 हफ्ते के अंदर कैलकुलस करना है, आपने 2 दिन 3 दिन निकाल दिए, अब आपको मंडे से पहले आपको इंटीग्रेशन भी करनी है, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन के लेक्चर को कंप्लीट करना है ताकि एटलीस्ट आप आगे ना फंसें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, तो यहाँ तक क्लियर है। तो धीरे धीरे करें, पहले डिफ्रेंसिएशन करें फिर इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन छोटी है, 1 घंटे में हो जाती है, डिफ्रेंसिएशन में टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। देखो अब वर्ड क्या आ गया, एवरेज, पहले क्या था इंस्टेंटेनियस। जब एवरेज वर्ड आता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। तो जब वर्ड एवरेज आएगा ना, डिफ्रेंसिएशन कैलकुलस बिल्कुल भी यूज नहीं करना, नहीं करना। जब इंस्टेंटेनियस आएगा तो पक्का डिफ्रेंसिएशन ही करना, अब डिफ्रेंसिएशन नहीं लगेगी। अपने को क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, जब टाइम कितना है टी वन कितना है 2 सेकेंड, टी टू कितना है 3 सेकेंड। एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, ये मुझे एक्स की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, मैं इसे डिफ्रेंशिएट तो नहीं करूंगा, कम से कम मैं क्या करूंगा इसमें, मैं टाइम को यहां पर क्या पुट करूंगा 2 सेकेंड। तो जब मैं टाइम को यहां 2 सेकेंड पुट करूंगा तो 2 पुट करूंगा तो 18 यहां पर भी और यहां पर भी, देखो 18 इंटू 2 2 का स्क्वायर, सॉल्व करके क्या आ जाएगा x1। तो आप ये काम कर लेंगे, यहां पर टाइम की जगह क्या पुट करेंगे 2 सेकेंड। तो जब आप 2 पुट करेंगे तो आपको एक्स का कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा x1 कितना है। सिमिलरली दूसरा टाइम कितना गिवन है 3 सेकेंड, तो जब आप 3 पुट करेंगे टाइम की जगह यहां पर भी तो आपके पास क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने t1 पुट करके x1 निकाल लेना है, t2 पुट करके x2 निकाल लेना है। अब आपको t1 पता है, t2 पता है, x1 पता है, x2 पता है, आप यहां क्यों नहीं पुट कर लेते, क्योंकि कौन सी वेलोसिटी निकलेगी एवरेज, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। x2 पता है, x1 पता है, t2 पता है और t1 पता है, तो t2 t1 तो 3 और 2 पता है, x2 x1 हमने निकाल लिया 99 और 56 पुट करके आपके पास कौन सी वेलोसिटी आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो एवरेज वेलोसिटी उन लोगों को समझ में आएगी जिन्होंने डिफ्रेंसिएशन नहीं की, तो वो तो समझ में आ रही होगी, पर जहां डिफ्रेंसिएशन इंस्टेंटेनियस आएगा वहां डिफ्रेंसिएशन की रिक्वायरमेंट है। तो यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें राइट। अब जैसे क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू ये थी, आपको क्या निकालनी है, आपको इसमें निकालनी है कौन सी एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस। अब जब इंस्टेंटेनियस आएगा तो क्या यूज करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। तो एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी, वेलोसिटी, बताया था मैंने, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी, एक्सेलेरेशन। तो d बाई dt ऑफ फर्स्ट टर्म, d बाई dt ऑफ सेकेंड टर्म, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0 और 10 इंटू dt बाई dt क्या है 1, तो आंसर क्या आ गया 10। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कैसे निकलेंगी राइट। ऑनलाइन क्लियर है, यस यस ठीक। अब नेक्स्ट में इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, फिर से उसने ऐसा ही क्वेश्चन में, जब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टी इज इक्वल टू 0। ये पोजीशन क्या होती है, इसमें क्या निकालूं, पोजीशन मींस क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, पोजीशन का मतलब क्या बताना, कि उसका समय टाइम बताना नहीं, एक्स बताना, पोजीशन का मतलब एक्स बताना। पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करते हो, किसी भी एक्स एक्सिस पे पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसका कोऑर्डिनेट से, कि एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर उसका कोऑर्डिनेट है, उसकी पोजीशन है, फिर थोड़ी देर के बाद उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4 मीटर, तो उसकी नई पोजीशन है। तो पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय चेंजिंग द कोऑर्डिनेट्स,
राइट तो आपको क्या बताना है, एक्स बताना है, ठीक। हाँ, इसमें प्लीज एक मिनट, ये करेक्शन है पिछले क्वेश्चन में, मैं भूल गया। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा था, एक्स की वैल्यू है 5t स्क्वायर, और मैं लिखते लिखते कहीं ना कहीं क्या लिख बैठा, 15t स्क्वायर। 15 करते करते मेरे माइंड में 5 ही चल रहा था, तो प्लीज़ यहाँ करेक्शन करो, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे 18, 15 इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 30t। करेक्शन करो, ये 30t आएगा, ये भी कितना आएगा, 30t आएगा, ये भी कितना आएगा, 30t आएगा, और फाइनल आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। ये करेक्शन करो प्लीज़ पिछले क्वेश्चन में, राइट। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर 30 के साथ चलेगा, सही है, ठीक है यहाँ तक। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू उसने दे दी, वो अब इंडिपेंडेंट हो गया, अब आखिरी पार्ट अब इंडिपेंडेंट कर दिया, लिंक नहीं रहा वो, ठीक है। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, x की वैल्यू दे रहा है, क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, पोजीशन का मतलब क्या निकालना है, x निकालना है, कब निकालना है, जब टाइम कितना है, 0। तो आप क्या करेंगे, आप जो x का फॉर्मूला है उसमें टाइम को क्या पुट करेंगे, 0। तो आप एक काम करें, x की वैल्यू लिखें और यहां पर टाइम को क्या पुट करें, 0 0, तो यहां पर क्या आएगा, 25। पहला पार्ट क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, 25। क्या निकालना है नेक्स्ट, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। देखो वैसे तो ये रूल है कि जब आपको कहता है कि फाइंड वेलोसिटी तो एवरेज नहीं होती कभी भी, वो कौन सी होती है, बाय डिफॉल्ट कुछ ना गिवन हो तो कौन सी है, इंस्टेंटेनियस है। तो हालांकि मैंने इसमें दे दिया, पर आगे से अगर ना गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कब निकालना है, जब टाइम की वैल्यू क्या है, 0। तो याद रखना, जब टाइम 0 है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आपको क्या यूज करना है इंस्टेंटेनियस के लिए, डिफ्रेंसिएशन। तो आप क्या करेंगे, इसमें v का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, dx/dt, क्लियर है, v इज इक्वल टू dx/dt, हम क्या यूज करेंगे, डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि हमने इंस्टेंटेनियस निकालना है। x की वैल्यू, ये पूरी की पूरी x की वैल्यू को पुट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0, dt/dt 1, और इसकी डिफ्रेंसिएशन 2t, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, राइट। तो ये कौन सी वेलोसिटी आ गई, इंस्टेंटेनियस, जो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। पर आपको वेलोसिटी कब निकालनी है, जब टाइम की वैल्यू क्या है, 0। तो जब आप यहाँ टाइम 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -15, एंड वेलोसिटीज नेगेटिव हो सकती हैं, इसका मतलब बॉडी इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये है। तो आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है, अब नेगेटिव छोड़ के आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। कभी कभी वो ये बोलेगा कि एक्स की वैल्यू ये रही, कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि एक्स की वैल्यू ले लो, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, एक्स की वैल्यू देके फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जब बॉडी चली थी, जब बॉडी चलती है तो आपके हाथ में स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच आपने ऑन की, जब स्टॉप वॉच ऑन करते हैं तो टाइम क्या दिखता है, 0, स्टार्ट तो 0 से होता है। तो यानी कि ये जो हमने 0 टाइम पर वेलोसिटी निकाली, ये इनिशियल वेलोसिटी भी कहलाएगी। तो आपको अगर क्वेश्चन में ये आ गया फाइंड वेलोसिटी जब टाइम 0 है, या ये आ गया फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी में वो टाइम को 0 नहीं पुट करेगा, वो आप खुद ही पुट करेंगे, टाइम को क्या पुट कर देंगे, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि वो नेगेटिव एक्सेस में जा रही है, बस खत्म। तो जब वो नेगेटिव एक्सेस में जा रही है और मैंने फटाफट उसकी फोटो खींच ली क्लिक, तो उस फोटो में वो ऐसा कैमरा था जो स्पीड बताता था, उसमें स्पीड लिखी आ गई उस फोटो में -15, इंस्टेंटेनियस। अगली फोटो खींचूंगा तो पता नहीं यार -14 आएगी कि 10 आएगी, पता नहीं, लिखा होगा इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस है। तो अगली बार क्या होगा मुझे पता नहीं, पर हाँ इस टाइम पर -15 है, फिर कहाँ गई बॉडी, जाने दो, ठीक।
नेक्स्ट व्हेन 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 का मतलब व्हेन विल बी द वेलोसिटी जीरो, मतलब क्या निकालना है, समय समय बताओ, टाइम बताओ जब वेलोसिटी जीरो, कौन सी वेलोसिटी जीरो, कुछ मेंशन तो है नहीं, तो कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने ऊपर क्या निकाली डिफरेंशिएट करके, 80 माइनस 15। तो वेलोसिटी 80 माइनस 15 है, वो क्या कह रहे हैं कब वेलोसिटी जीरो हुई, तो क्या निकालना चाहता है इस बार टाइम, वेलोसिटी को क्या पुट करेंगे जीरो, तो इसको जीरो पुट करेंगे, टाइम निकालेंगे आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो व्हेन का मतलब टाइम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी का मतलब फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस, तो क्या यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन क्या होगी इंस्टेंटेनियस, डीवी बाय डीटी। तो वी की वैल्यू पूरी की पूरी यहां पर पुट करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म, डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड टर्म, तो इसकी डिफरेंशिएशन जीरो, डी टी बाई डी टी इज वन, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 8। अब एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करके जो आई वो 8 आ गई, इस 8 के साथ कुछ टाइम नहीं लगा हुआ, जैसे क्वेश्चन में आ सकता था 8t square, कुछ भी नहीं है, तो जो एक्सेलरेशन है वो एक नंबर आ गया, एंड दिस नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम तो आया ही नहीं। तो यानी कि आप एक्सेलरेशन अब चाहे टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे पूछ लें, टाइम टी इज इक्वल टू 100 सेकेंड पे पूछें, 200 सेकेंड पे पूछें, एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट। तो 8 का मतलब 8 ही है, अब भी 8 है, बाद में भी 8 है, इसका मतलब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन क्या रहेगी 8। अगर वो ये पूछता टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताओ तो भी क्या रहती 8। हाँ, अगर आपका आंसर 8t square आ जाता, हाँ फिर वेरी करना था, फिर टाइम की जो वैल्यू है वहाँ पर आंसर डिफरेंट आना था। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो आपका आंसर टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो यानी कि एक्सेलरेशन क्या रहेगी हमेशा पूरी जर्नी में कॉन्स्टेंट। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? ठीक, यूनिट्स एंड डायमेंशन से हटके है ना, कुछ एकदम चेंज हो गया ना सब कुछ। ठीक, कैलकुलस और मोशन बोला था ना एकदम इंटररिलेटेड है, और ये भी बोला था जितनी स्ट्रॉन्ग कैलकुलस होगी डिफरेंशिएशन होगी उतना जल्दी आप कैच करेंगे इसे, उतना ही टाइम आप सेव करेंगे। तो जो लोग डिफरेंशिएशन जिन्होंने नहीं किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन ख़त्म कर दें, आराम से बैठें और बस सिर्फ देखें कि इसमें हो क्या रहा है। इतना भी जोर नहीं लगा रहे होंगे स्टूडेंट कि ये स्टेप कैसे हुआ, जिनको डिफरेंशिएशन आती है उनको पता है ये मैं कर लूँगा, इसीलिए डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है। और अभी तो सिर्फ डिफरेंशिएशन यूज़ हो रही है, एक लेक्चर के बाद अब इंटीग्रेशन भी आ जाएगी, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन भी आएगी, फिर वही बात हो जाएगी, तो इसलिए बेटर है सबसे पहले इसको खत्म कर दें हम। क्लियर है? वेलोसिटी कितनी है 2t square + 5। तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, कौन क्या निकालनी है, एवरेज नहीं ना, इंस्टेंटेनियस नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी निकलेगी इसमें बताओ, इस क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ये क्या गिवन है, ये इंस्टेंटेनियस ही है भाई, टाइम के साथ जो डिपेंडेंट है वो इंस्टेंटेनियस है। आप टाइम को वन, जरूरी थोड़ी ना है कि तुम्हें पहले एक्स देंगे तुम डिफरेंशिएट करके ही वी निकालोगे, भाई उसने एक्स नहीं दिया उन सीधा वी का फॉर्मूला दे दिया, तो यही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है भाई, टाइम के साथ चेंज हो रही है और क्या चाहिए, इसी को तो बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही है, आपको क्या निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v2 - v1, कब, जब टाइम 2 और 4 सेकेंड है। तो ऐसा क्यों नहीं करते, जब टाइम 2 सेकेंड है तो इस टाइम में 2 पुट करें तो v1 आ गया, जब टाइम 4 सेकेंड है यहाँ पर 4 पुट करें तो v2 आ गया, आपको क्या निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, तो कर ले माइनस v2 - v1 आंसर आ गया। राइट, क्लियर है यहाँ तक? अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वर्ड आ गया, डिफरेंशिएशन यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे δv / δt, δv क्या होता है v2 - v1, δt क्या होता है t2 - t1। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब इस एक्सेलरेशन के अंदर v2 और v1 हमें गिवन है, 30 v2 - v1 कितना गिवन है 37 - 13,
और टी टू माइनस टी वन कितना गिवन है, और टी टू माइनस टी वन, टी टू ये रहा टी टू, ये रहा टी वन, तो फोर माइनस टू, ये स्टेप क्लियर है। तो चेंज इन वेलोसिटी को टाइम के चेंज से डिवाइड करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, एवरेज एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये जो वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन थी वो कौन सी थी, इंस्टेंटेनियस, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन, क्योंकि वर्ड इंस्टेंटेनियस है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी, डीवी बाय डीटी। इस v को यहां पुट करें, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, टी स्क्वायर की टू टी, कितना आया 40। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 40, राइट? अब वो क्या कह रहा है, फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब टाइम कितना है 1 सेकेंड। आपने एक्सेलरेशन कितनी निकाली इंस्टेंटेनियस 40, आप टाइम को क्या पुट करेंगे 1, तो आंसर क्या आएगा 4 × 1, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंस्टेंट एक्सेलरेशन आ गई। ये भी क्लियर है यहां तक? उसने कहा कि x की वैल्यू है 7t² + 8t + 1, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और क्या निकालना है, फाइंड कौन सी वेलोसिटी, एवरेज। तो इसमें डिफरेंशिएशन यूज नहीं करना, तो इसमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डेल्टा x बाय डेल्टा t, यानी कि x2 माइनस x1, t2 माइनस t1, करें सॉल्व। ओके, इसका आंसर कितना आ रहा है, 29। तो इसमें आपने क्या करना है, T2 एंड T1 कितना है 2, T1 कितना है 1, आपको X2 और X1 चाहिए। एक काम करो, जब टाइम की वैल्यू T1 कितने सेकंड है, 1 सेकंड है, तो यहाँ पर X1 की वैल्यू क्या आएगी, 7 × 1² + 8 × 1 + 1, निकाल लेना। ऐसी कितना आ रहा है वैसे, ये 16, और ऐसी टाइम की वैल्यू कितनी, 2 सेकेंड। जब 2 सेकेंड पुट करेंगे तो X2 की वैल्यू क्या आएगी, 7 × 2² + 8 × कितना 2 + 1, कितना आ रहा है 45। तो 45 माइनस 16, टोटल आंसर कितना आ रहा है 29। ओके 29, ऐसे ओके क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब इसी के अंदर ये एक्स है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब क्या करेंगे इसमें, आंसर क्या रहे 36। तो इंस्टेंट, हाँ ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, dx by dt, यानी कि d by dt ऑफ
x की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 70 स्क्वायर प्लस 80 प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, 2t 8 1, ये आएगा। टाइम को एंड में क्या पुट करना है यहाँ पर, 2 सेकेंड, कितना आंसर आ रहा है, 36 आंसर। क्या आपको मेथड क्लियर है यहाँ तक, तो आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, 2 का स्क्वायर होएगा राइट, ठीक है। तो यहाँ पर 7 into इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 7 into टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है, 2t 7 into 2 into t, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 14t plus 8, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस, तो पिछले पार्ट में क्या आया था, 14t plus 8, यही आई थी ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या होगी, dv/dt, तो d/dt ऑफ v की वैल्यू कितनी है, 14t plus 8, तो यहाँ पर क्या आएगा सॉल्व करके, 14 कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0, तो 14 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्या है पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये बात समझ में आ रही है राइट। तो आपके पास एक्सेलेरेशन कितनी आ गई, 14 आ गई, क्या चीज, ठीक है। आपको क्या निकालना है अब, एवरेज एक्सेलेरेशन, कितना आंसर आ रहा है, 14 आ रहा है। देखो अगर मैं थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करूं तो शायद मैं पेन भी हाथ ना लगाऊं और आंसर 14 आएगा, कितने लोगों को समझ में आ गया 14 आएगा, करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कितना आ गया, 14, टाइम तो आया ही नहीं पीछे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी कि एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। अब चाहे टी इज इक्वल टू 0 पे निकलवा लो, टी इज इक्वल टू 1 पे निकलवाओ, टी इज इक्वल टू 2 पे निकलवाओ, आंसर विल बी सेम, क्योंकि तो कॉन्स्टेंट है, तो आंसर क्या आएगा, 14 ही आएगा। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक, लेकिन फिर भी कईयों को नहीं क्लिक करता, कोई बात नहीं। आपको क्या निकालना है इसमें, आपको निकालना है इसमें एवरेज एक्सेलेरेशन निकालनी है राइट। तो आप एक काम करें, जो एवरेज एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई थी, इंस्टेंटेनियस कितनी थी, 14t प्लस 8 थी ना, आप ऐसा करें, आप एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लिख लें, जो कि क्या होता है, v2 minus v1 divided by t2 minus t1, t2 और t1 तो आपको पता ही है कितना, 2 और 1, आपको बस क्या निकालना है, v2 and v1। एक काम करें, इसके अंदर टाइम को, पहले टाइम को 1 पुट करें और v1 निकाल लें, v1 क्या आएगा, 14 into 1 plus 8, और ऐसे टाइम को क्या पुट करें, 2 पुट करें और v2 निकाल लें, कितना, 14 into 2 plus 8, तो v1 v2 सॉल्व करके यहाँ पुट करके डिवाइड करें, आंसर कितना आएगा, मैंने किया नहीं पर मुझे पूरा विश्वास है 14 ही आएगा, करूँ क्यों, क्योंकि पता ही है कि टाइम से इंडिपेंडेंट है, करके देख लो तो भी 14 आएगा, क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अगर मान लो आपने ऐसे कर भी दिया, प्रॉब्लम नहीं है, ओके क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर, यस सर।